नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करते हैं राजस्थान विद्युत विभाग में जो भर्ती निकली थी 2300 कुछ पदों पर, उसकी जो संशोधित विज्ञप्ति है। EWS आरक्षण में जो आयु सीमा में छूट और फीस में छूट मिली है, उसके कारण जो संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जिसने पिछली बार फॉर्म फिल नहीं किया था, चाहे वो OBC से हो, MBC से हो, जनरल से हो, या EWS से हो, या किसी भी कैटेगरी से हो, SC से हो, ST से हो, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पिछली बार जिसने भी अप्लाई नहीं किया था वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही जो 2370 पद पर भर्ती निकली है उसकी विज्ञप्ति फिर से जारी कर दी गई है। और आवेदन प्रक्रिया आप देख सकते हो, 7 जून से 21 जून तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें सिर्फ EWS नहीं बल्कि आप SC, ST, OBC, जनरल, किसी भी कैटेगरी से हो, पिछली बार अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया, उनको एक बार फिर से चांस दिया गया है। ठीक है, भी बहुत सारे पद है इनमें, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो किसी भी कैटेगरी से हो चाहे आप। इसके साथ ही जो EWS के स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली बार ज़्यादा फीस में अपना फॉर्म फिल किया था, उनको क्या है वो राशि वापस लौटा दी जाएगी, ज़्यादा राशि। ठीक है, इसके लिए कोई आवेदन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आपको लौटा दी जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि राजस्थान विद्युत विभाग ने जो भर्ती निकाली थी उसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, और EWS में जो आयु सीमा में छूट दी गई है, प्लस जो फीस में भी छूट दी गई है। 7 जून से आप आवेदन कर सकते हो किसी भी कैटेगरी से हो आप, चाहे OBC, जनरल, सबसे आप, SC, ST, जिससे भी हो, आपको फिर से मौका मिलेगा एक बार क्या अप्लाई करने का। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है। तो जिसने भी फॉर्म नहीं फिल किया और भरना चाहता है फॉर्म, वो 7 जून से 21 जून के बीच में भर सकता है। तो धन्यवाद, बने जीवा स्टडी के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी। धन्यवाद।